फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने धोखाधड़ी के मुकदमे में मुरादाबाद पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। जांच अधिकारी के सामने अपना बयान दर्ज करने के बाद वो उत्तरांचल के लिए रवाना हो गई। एक इवेंट मैनेजर ने दर्ज कराई है कटरा थाने में। इवेंट ऑर्गेनाइजर? जी, इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रमोद शर्मा ने दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जी। आज इस मामले में सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पे आई थी, क्या आपके बयान दर्ज हुए हैं? क्या बयान दर्ज हुए हैं, क्या क्या सोनाक्षी सिन्हा जी का कहना था पूरे मामले को लेकर? एज पर लॉ सोनाक्षी जी बहुत ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, बहुत इज्जत है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए, पुलिस अथॉरिटीज़ के लिए, ऑनरेबल जुडिशरी के लिए और हमारे देश के कानून और कानून के सिस्टम के लिए बहुत उनके रिस्पेक्ट है। तो एज पर प्रोसीजर 161 CRPC में उनका स्टेटमेंट दर्ज होना पुलिस के पास ज़रूरी होता है, तो उसके तहत वो यहाँ आई और उन्होंने अपनी जो बातें हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में जवाब दे दिए और बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेट 1872 के तहत साइन किया हुआ है, दोनों साइड ने साइन किया हुआ है। अब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो सिविल मैटर होता है उसके अंदर अगर डिस्प्यूट होता है तो सिविल डिस्प्यूट कहलाता है, वो क्राइम या क्रिमिनल एक्ट में नहीं आता, IPC में नहीं आता, ना ही CRPC में आता है। तो उन्होंने अपने सारे जवाब दिए कि इन्होंने उल्लंघन किया उस कॉन्ट्रैक्ट का और उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि ये जो है अगर टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन होगा किसी भी एक का तो उसको टर्मिनेट समझा जाएगा एंड ख़त्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ये भी लिखा है कि ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू दिस, एनी डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी हैंडल्ड एंड डेल्ट विद बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑफ मुंबई एक्सक्लूसिवली। तो ये मुंबई ज्यूरिसडिक्शन का मामला है। अगर उनको सिविल डिस्प्यूट भी फाइल करना है, अगर ही कैन नॉट फाइल एनीवेयर एल्स एक्सेप्टिंग मुंबई। क्या वजह सर लगती है आप लोगों को, आप चूंकि उनके काउंसिल भी हैं, क्या वजह लगती है इन आरोपों के पीछे, क्या मंशा है? मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आदमी सपना देखता है बड़ा वाला, अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, छोटे क्यों देखो, कंजूसी क्यों करो, बड़े सपने देखो, लेकिन उस सपना देखने के बाद जो है आपको उसकी हकीकत को भी समझना चाहिए कि ये सपना है और ये हकीकत है, ये क्या हो सकता है और एक्चुअली क्या हो सकता है। तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम या फिल्म या कोई भी चीज़ बनाने जाते हैं तो उसकी प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। प्लानिंग आप 6 महीना लगा दो, शूटिंग में 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो मुझे क्या लगता है इस आदमी की सोच जो है वो थी शो करने के लिए, बट इनकी प्लानिंग और व्यवस्था और वो सब फाइनेंशियल था नहीं, तभी तो जाके इतने छोटे अमाउंट के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को इसमें डाल दिया, खतरे में डाल दिया सर, एक और अपने शो को उन्होंने अपना ये कर दिया। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, चूँकि आपने अभी कुछ देर पहले ही बात कही थी कि लड़ाई या झगड़ा करने में 3 मिनट 3 सेकंड लगते हैं और जिंदगी लग जाती है दोस्ती करने में, ऐसे में आपकी तरफ से क्या इस मामले का कैसे समाप्त किया जाए, इस मामले को कैसे निपटाया जाए, क्या आपकी शर्तें हैं? उनका जो तारीख बन रहा था पैसे देने का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, डेटें लिखी थी कि इस डेट पे इतना पैसा आना, इंस्टॉलमेंट, ये भी नहीं कि सोनाक्षी सिन्हा जी ने उनको बोल दिया नहीं आप एक ही झटके में पूरे पैसे दे दो, आपका प्रोग्राम जब भी होगा हम पहुँच जाएंगे, ऐसे नहीं किया। देखा कि आदमी थोड़ा जो है अरेंज कर रहा है, अरेंजमेंट में शायद वक्त लग सकता है, तो वो शेड्यूल बनाया गया कि हर महीने आप इतना मिले। अब वो आदमी हर महीना जो है डिले करता था पेमेंट, जो भी था डिले करता था, फिर बाद में लास्ट में पेमेंट नहीं आया, स्टाफ और सिक्योरिटी के रिटर्न टिकट्स नहीं आए, तो फाइनली क्या हुआ, शो नहीं हुआ। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा जी की जो टीम है, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट टीम है, एक्सीड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो ये सारा हैंडल करती है, इन सारी बातों में सोनाक्षी सिन्हा जी पढ़ती भी नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा जी का काम क्या है, एक्टिंग करना, परफॉर्म करना, अपीयरेंस देना, आ जाना, पैसे की बात, ये सारी बातें जो है, नेगोशिएशन हो, फाइनलाइजेशन हो, ट्रांजैक्शन हो, फैसिलिटेशन हो, गाड़ी हो, टिकटें हो, ये सब ये इवेंट मैनेजमेंट टीम का, ये सोनाक्षी सिन्हा जी बिल्कुल नहीं देखती, उसे पढ़ती भी नहीं है। और ये सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही सेलिब्रिटी के साथ नहीं है, वर्ल्ड वाइड, तो उसमें जब ये शो नहीं हो पाया
तो ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो सोनाक्षी जी की सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी जो है एक्सीड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने प्रमोद शर्मा जी को बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की लेकिन सारे उनके अटेम्प्ट फेल हो गए। और उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा और रखना भी चाहा कि आप एक काम कीजिए, अगर आपका फला दिन पे शो नहीं हुआ आप एक डेट चेंज कर दीजिए, आप पैसा अरेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए और करके आ जाएंगे, हम लोग आपका शो कर लेंगे एक ऑल्टरनेट डेट पे, जो कि कोई आर्टिस्ट नहीं करता, कोई भी आर्टिस्ट नहीं करता। और ये भी बोला कि बैठ के बात करके जो भी है पैसा जो भी आपका जितना भी दिया आप ले लीजिए, गाने ख़त्म कर दीजिए। आपने कोई सपना देखा नहीं साकार हुआ आपकी वजह से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 को हम फॉलो करें। अब मुझे बात बताइए, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 बना है, किसने बनाया है? इट्स मेड बाय द लेजिस्लेचर। वो एक्ट अगर बना है, मैं अगर उसको फॉलो कर रहा हूँ, आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो, तो क्या कोई हम दोनों में से कोई इलीगल काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो लीगल काम ही कर रहे हैं। अब क्या आप मुझे ही फॉलो करना है और आपको फॉलो करना नहीं है? आप उस एक्ट में से निकल के आप सीआरपीसी में आ जाते हो, आप आईपीसी में आ जाते हो और दूसरे एक्ट में चले जाते हो जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं, ना आपका ना उस एक्ट का, इस पर्टिकुलर सिविल डिस्प्यूट का। अब आखिरी रास्ता क्या आपको लगता है? आखिरी रास्ता, वी आर वेरी क्लियर, हमने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई ऑफेंस नहीं किया है। इसमें एज अ ह्यूमन बीइंग सोनाक्षी जी ने खुद अपने मन से कहा है, इनका एक एक पाई जो है वापस प्लीज़ दे दीजिए, बशर्ते ये कि इन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मुझे डिफेम किया है, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स इशू किया है और ये कोर्ट में माफ़ी मांगे और कहे कि ही हैज़ मेड अ मिस्टेक बाय फाइलिंग अ फॉल्स कंप्लेंट विद देयर रिस्पेक्टेड पुलिस अथॉरिटीज एंड वेस्टिंग देयर टाइम, एंड ये कोर्ट का भी टाइम वेस्ट करने जाएगा, तो माफ़ी कोर्ट में मांगे। मैं तो कोर्ट में प्रेयर में साथ में ये भी दे दूंगा ऑफर के पैसे ये ले लीजिए, कोर्ट में दे रहा हूँ, कोर्ट माफ़ी नामा इनसे ले लेवे, पैसे इनको दे दे, हमको इनका पैसा लेके कहीं जाना नहीं है, ना कोई ज़रूरत है ना उनको ऐसे पैसे, इनका पैसा इनको मिल जाए, बट ही हैज़ टू अपोलोजाइज, ये सबक उनको मिलना चाहिए है। ठीक है, कानून जो है वो उसके हिसाब से सबको चलना है, हम सबके ऊपर कानून है। थैंक यू सर। वो तो वितरण कर दीजिए, जो आयोजक है जो लाया हुआ इसको लाया हुआ उसको, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर हम जो है सोनाक्षी सिन्हा जी से प्लीज एग्रीमेंट बनाना, और एग्रीमेंट में इनका जो है किस तारीख को हुआ है ये जो एग्रीमेंट इनका हुआ, ये हुआ 21 जून 2018 को, ठीक है। 24 लाख रुपए इनको देना था, कैसे देना था? 24 लाख रुपए जो प्रमोद शर्मा जी प्रमोद शर्मा को विद जीएसटी, विद जीएसटी 28,32,000 रुपये हो गए उनके टोटल। उसमें उनके द्वारा शर्तें दी गई थी कि 12 जून को आप जो है 4 लाख रुपए और 10 जुलाई को जो है 9 लाख रुपए और 10 अगस्त को 6 लाख रुपए आप देंगे, 10 अगस्त को 6 लाख रुपये, और जो इवेंट्स होना है इवेंट से 10 दिन पहले आप पूरा हमारा फुल पेमेंट करेंगे, और इसके अलावा जो है जो आने जाने का जो हमारा टिकट्स हैं या जो भी है कराएंगे, हाँ टिकट्स कराएंगे, वहाँ की सिक्योरिटी और जो है वहाँ रहने की व्यवस्था वो सब आपकी होगी, और स्टाफ मनी आपको अलग से देनी होगी। स्टाफ मनी आपको अलग से गई चली गई जिनके पास रहता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उसमें प्रमोद शर्मा द्वारा प्रोग्राम कब होना था? 30 को होना, हाँ 30 सितंबर 2018 को प्रोग्राम होना था दिल्ली में। अब सोनाक्षी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? अब सोनाक्षी की तरफ जो है नोटिस 10 दिन पहले दिया गया था कि आप अपने बयान दर्ज कराइए यहाँ पे, मुरादाबाद आइए। कैसे भेजा था? बाई डाक भेजा है। अच्छा, इससे पहले जब आप गए थे मुंबई गए थे तो उस समय बयान दर्ज हो पाए थे? दो लोग बयान दर्ज हुए थे, बाहर थे। सोनाक्षी के बयान दर्ज नहीं हुए, सोनाक्षी और मालविका पंजाबी और अभिषेक सिन्हा, तीन के नहीं हो पाए, दो के हुए थे उस समय। ओके, किस किस के हो गए थे उस समय? मालवी धूमिल ठक्कर और एडगर सकारिया, ये भी हम मुझे हाँ मुझे मनाया।
चार लोगों के नाम पर है जिनके दो के बयान दर्ज, पांच, तीन के बयान पहले हो गए थे, दो के हुए थे, अभी एक बचे हैं, अभिषेक सिन्हा बचे हैं, अभिषेक सिन्हा बचे हैं, अभिषेक सिन्हा को नोटिस भेजा है और जल्दी बयान देना है। ये कौन है इनके? अभिषेक सिन्हा एक टैलेंट फिल्म कंपनी है, नहीं कोई रिश्ते में नहीं, कोई रिलेटिव नहीं है इनके, उसकी कंपनी अलग है। भाई जो आया था इनका क्या नाम था इसका? भाई जो आए थे कुछ कुछ ये क्यों आए थे? बहन के साथ? हाँ बहन के साथ आए थे। छोटे हैं इनसे बड़े? बड़े हैं। कहाँ से आ रहे थे लोग? अभी लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से? मुंबई से? नहीं नहीं मुंबई से नहीं, दिल्ली से आए हैं। मुंबई से तो आए होंगे, मुंबई में रहने वाले हैं तो दिल्ली से फिलहाल तो आए हैं। मतलब इसी के लिए आए कहीं इधर से? नहीं और भी काम नहीं, इसी के लिए बयान देने के लिए मुंबई से सीधे नहीं आ रहे हैं। आगे अब आगे के लिए क्या होता है, क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इसमें बनती है? क्योंकि अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, पेमेंट वापस नहीं आ रही है, अभी तो और देखा जाएगा। अभी तो आगे, इससे पहले आपने भी मुंबई जा करके बयान दर्ज करने की कोशिश करी थी? हाँ दो लोग किए थे, इसमें टोटल पाँच लोग हैं। दो लोग और कौन कौन लोग हैं? वो कहाँ के हैं? वो कहाँ के हैं? वो भी मुंबई के हैं? वो भी मुंबई के हैं? हाँ मुंबई के हैं। एक एक्सिड कंपनी है, एक्सिड कंपनी है, सोनाजी सिन्हा जी, एक्सिड कंपनी है, ये उसमें कर्मचारी हैं, धुरमिल ठक्कर, धुरमिल ठक्कर और ये मालविका पंजाबी, मालविका पंजाबी इसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, और एक अभिषेक सिन्हा, अभिषेक सिन्हा जो है टैलेंट फिल्म के मालिक हैं, अभिषेक सिन्हा टैलेंट फिल्म कंपनी है उसके मालिक हैं, टैलेंट फुलोन कंपनी। ये क्या कराती है? ये टैलेंट फुलोन कंपनी जो है एक मीडिएटर है, ये एक मीडिएटर है, ये इनकी पर्सनल सेक्रेटरी लेडी है ना? हाँ ये लेडी मालिक है। और ये धूमिल और ये धूमिल ठक्कर दोनों ये कर्मचारी हैं उसके एक्सिड कंपनी में, एक्सिड कंपनी सोनाक्षी और ऋतिक रोशन की है। ऋतिक रोशन की है? हाँ ऋतिक रोशन पार्टनरशिप में दोनों। हाँ दोनों का एक ऑफिस टाइप का है तो नाम दे रखा है, जो भी कोई ऐड वगैरह कुछ होता है तो वहाँ कॉन्टैक्ट करते हैं ये लोग। ऋतिक रोशन इनकी है? हाँ। तो क्या दोबारा से आगे इनको फिर से बुलाने का कुछ मतलब हो सकता है इसमें क्या? नहीं अगर अगर लगेगा तो बुलाया जाएगा। नहीं तो ये आपने इन्हें नोटिस दिया था? क्या दिया था? हाँ नोटिस दिया था इनको हमने। सोनाक्षी जी का कहना ये है कि जो हमारी शर्तें थी एग्रीमेंट में वो इन लोगों ने पूरी नहीं की है। क्या शर्तें? जैसे जैसे मैंने आपको बताया अभी जो पेमेंट देना था इनको, निर्धारित डेट थी पेमेंट देने की, उस डेट पर पेमेंट नहीं दिया गया है और पूरा पेमेंट नहीं दिया गया है। 190,000 रुपीज़ जो है अभी हमारे शेष रह गए थे। 190,000 रुपये हमारे शेष रह गए थे। 190,000 रह गए थे? हाँ रह गए थे, हमको पूरा पेमेंट नहीं दिया गया। और हमने टिकट कहा था इनसे सुबह 11:30 फ्लाइट का, तो इनके द्वारा ना 11:30 फ्लाइट के टिकट बना गए थे। किस तारीख की? सुबह 30? हाँ 30 तारीख की मैंने द्वारा फ्लाइट बना टिकट बनाए गए थे। और हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे लेकिन हमारे पास टिकट नहीं था। अच्छा हमको इसलिए वापस आना पड़ा। अच्छा ना ही हमारी वहाँ रहने की व्यवस्था थी ना ही व्यवस्था। जब यहाँ पहुँची ना तो रहने की व्यवस्था कैसे पता चल गई? बात उनको लोग पहले पहुँच गए हम कुछ लोग, उन्होंने टिकट की वजह से वापस जाना पड़ा था एयरपोर्ट। टिकट और पेमेंट 190,000 बकाया था। हाँ 1,90,000 बाकी पैसा इनके पास गया है। मतलब उन्होंने ये उन्होंने इतनी एक्सेप्ट कर लिया कि बाकी का पैसा उनके पास पहुंच गया। 24 लाख गया? 24 कितना? हाँ समथिंग जो है इनके पास 28 लाख। चलो बताता हूँ इनके पास वो पैसा गया था। इनके पास में जो पैसा टोटल गया है 1,90,000 कम कर लीजिए 28 टोटल कितना पेमेंट का था?
टोटल कितना पेमेंट करना था? 28,32,000 देना था टोटल विद जीएसटी को, ठीक है ना। उसमें 1,90,000 उन्होंने कम दिया, इतना पैसा गया बाकी। हाँ, बाकी पैसा इनका नहीं गया। और सोनाक्षी सिन्हा से ना इनका कोई कभी मिले हैं सोनाक्षी सिन्हा से? अच्छा, एग्रीमेंट जरूर हुआ था, एग्रीमेंट लिए सोनाक्षी सिन्हा जी कह रहे हैं हाँ मेरे साइन है इस पर। अच्छा, मैंने एग्रीमेंट किया, मतलब सोनाक्षी सिन्हा ने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था। उनके पास जो है 1,90,000 छोड़ के बाकी सारी पेमेंट पहुंच चुकी थी। बाकी सारी पेमेंट जो निर्धारित समय पर नहीं पहुंची है, उन्होंने टाइम दिया है उसमें। अभी आपने कहा ना 1,90,000 तो रह गए थे, लेकिन जो बाकी पेमेंट था वो भी लेट लपेट पहुँचाया था उन्होंने, पहुँच गया था उनके, पहुँच गया था बाकी पेमेंट। फिर आए क्यों नहीं? टिकट नहीं थी उनके पास में आने के लिए। अब क्या चाहती हैं? पेमेंट पूरा नहीं किया। अब क्या कह रही हैं? अब ये कह रही हैं इसमें कि अगर ये चाहे जो पैसा मेरे पास में वापस आया, मैं पैसा वापस देने को तैयार हूँ। ब्याज सही देनी है ऐसे? हाँ, जो पैसा इनके अकाउंट में पैसा गया है, जो पैसा इनके अकाउंट में गया उसको देने वापस तैयार है। कोई पैसा दे देंगे, ब्याज नहीं देंगे? ब्याज की बात मुझसे बोल। अच्छा, आज आपने बयान दर्ज करे हैं, तो क्या सोनाक्षी की तरफ से कोई इस तरह की पहल करी गई? क्योंकि आज उनको कोर्ट में भी तारीख पर जाना था, पर वो कोर्ट में तारीख में ना जा करके आज वो सिर्फ अपने बयान दर्ज करा के वापस लौट गई। कोर्ट में तारीख नहीं दी? नहीं, कोर्ट में कोई तारीख नहीं दी, तो कोर्ट मैटर नहीं है अभी तो। विवेचना प्रचलित है, विवेचना चल रही है, वो कोर्ट का कोई मैटर नहीं है। नहीं तो अब इसमें क्या कार्रवाई होगी आगे? क्या है इनके बयान के आधार में? क्या क्या प्रेयर क्या कर रहे हैं? नहीं, इनके जो बयान थे बयान उन्होंने दिए, इन्होंने जो जो उन्होंने नहीं किया उनके एग्रीमेंट के मुताबिक, उन्होंने जो एग्रीमेंट भी अपना बताया सबको उल्लंघन हुआ, पैसा पूरा नहीं गया, टिकट नहीं था, सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं थी, तो उस सब की वजह से वो नहीं आई वहाँ से। पैसा तो गया उनके। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई और जमकर दांत घुसे चले। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए। जी, क्या नाम है आपका? इमरान। क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना सर ये हुई थी, मैं नीचे खड़ा हुआ था, जानवर कट रहा था, मैं इनसे मतलब ये लोग लड़के आते हैं इधर, वो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो मैं इनसे मना करता हूँ कि यहाँ सिगरेट वगैरह मत पियो, गाली गुस्सा मत करो, तो उल्टा एक्शन लेते हैं मेरे ऊपर कुछ और हाथापाई करते हैं। तो 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है, आज 3 दफ़ा ऐसा हुआ है। आज तो रोड लेकर आए थे, हथियार लेकर आए थे मारने के लिए, आज ही थे जानवर कट रहे थे, मेरे अभी जानवर कट रहा था, तो वहीं से छुरी लेकर उन्हें हाथापाई करने लगे। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे भाई जब बाहर को आए निकल करके, तो उन्होंने मुझे देखा तो सब झपट हुई एकदम से जी। और ये घटना आज 3री दफ़ा हुई है मेरे साथ, तो मुझे अपनी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। इन्होंने इससे पहले भी आपको मारा है? इन लोगों ने आज तो तीसरा के घटना हुई है हमारे साथ में। तीसरा के मारा है आपको? हाँ, तीसरा के मारा है। घर पे चढ़ाई ले लेकर आता पूरा पूरा घर, घर के नीचे गाड़ी रखते हैं, छोटे बाजी करते हैं, हम मना करते हैं तो आन के मार पीट करते हैं। कंप्लेन कराई है आपने? कंप्लेन हमने पहली दफे कराई है, ये दो बार हमने तक खामोश होकर बैठ गए, हार के ही हमने कंप्लेन कराई है। मोहल्ले वाले पीछे पड़ जाते हैं, फैसला करा देते हैं, मोहल्ले वाले हर बार फैसला करा देते हैं। ये देखिए, ये मेडिकल पहली जगह कंप्लेंट लगाई है हमने। ये अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिला, हमें खतरा रहता है, हमारे साथ में मारा पीट बहुत करते हैं, बच्चों का बहुत खतरा है, मेरे बच्चों को बहुत मार रहे हैं, मोहल्ले का अंदर मारा पीट करते हैं सबके साथ। मां को भी मारा है आपके? हमारे जी हमारे मारा नाले में घुसेड़ के मार के गया था शकील लंबा वाला, नाली में घुसड़ के मार के गया था मुझे, मैंने अपने बच्चे की जब उस दिन भी जान बचाई थी इससे। बाकी और कौन कौन लोग थे उनके नाम? शकील आता है, रोहित आता है, राजा है, हबीब पूरा पूरा घर आता, बिलाल, आमिर। बुलंदशहर पुलिस ने पिछले 6 महीनों में खोए सैकड़ों मोबाइल फोनों में से 47 मोबाइल फोनों को बरामद कर दिया है और 35 मोबाइल मालकों को मोबाइल भी लौटा दिए, जिसमें मोबाइल फोन धारकों में पुलिस के प्रति कार्य प्रणाली को लेकर विश्वास बढ़ता नजर आ रहा है। सर, आज कुछ खोए हुए मोबाइल जो थे वो बरामद करके सर जो मालिक थे उनके मोबाइल को उनको दिए गए, क्या प्रॉब्लम है? साइबर क्राइम सेल बुलंदशहर के द्वारा एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की गई है और ऐसे लोग जिनके मोबाइल फोन इन्हीं कारणों से खो गए थे, काफ़ी दिनों से परेशान थे, उनके द्वारा सूचनाएँ दी गई थी, उस आधार पर 36 मोबाइल फोन की बरामदगी आज की गई है।
और उसमें से अधिकांश जो यहाँ मौजूद हैं उनको उनके मोबाइल फ़ोन सुपुर्द कर दिए गए हैं। एक तरह से जनता में एक विश्वास का विभाव पुलिस के प्रति कार्य से पैदा होता है और कि पुलिस उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक अच्छा काम पुलिस के द्वारा आज किया गया। ये क्या नाम है आपका? शशांत कुमार। क्या हुआ था आज मोबाइल आपको मिला, पुलिस ने दिया, क्या प्रॉब्लम था? आज बहुत संतुष्टि है। कुछ टाइम पहले 6-7 महीने पहले फ़ोन खो गया था, तो रिपोर्ट करी गई थी क्राइम ब्रांच ऑफिस में। उम्मीद नहीं थी कि फ़ोन मिल जाएगा, आजकल फ़ोन मिलते नहीं हैं, दिन दिन में आजकल वारदातें होती रहती हैं। लेकिन उसने बहुत अच्छा काम करा कि फ़ोन मिल गया, तो बहुत संतुष्टि है। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है अपना, खुशी हुई देख के। महंगा फ़ोन था आपका? हाँ महंगा फ़ोन था, 20-25 हज़ार का फ़ोन था। तो क्या कहना चाहेंगे? यही है कि अप्रिशिएशन करना चाहूँगा इतने अच्छा काम करने के लिए, और उम्मीद है ऐसे काम करते रहें तो पब्लिक सपोर्ट बनी रहेगी। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश राकेश कश्यप और साइक उर्फ सोटा को गिरफ्तार कर दिया है। इसी दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी, वहीं उनके बाकी साथी फरार हो गए। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने पूछताछ के बाद पुलिस ने फरार हुए आरोपियों की तलाश में तबड़तोड़ दबिश भी दी, जिसके बाद बंटी, राहुल और मनोज को भी गिरफ्तार कर दिया गया। ये 7 तारीख की घटना 7 अगस्त को दिन में कुछ लोग एक घर में घुसे थे जहाँ पर एक महिला थी। उन्होंने बाहर से बताया कि हम लोग दवा का छिड़काव करने आए हैं। ये कहा कि वो घर में घुसे थे, फिर उस महिला के साथ मारपीट करके वहाँ से सामान लेकर गए थे। पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जनपदीत में वो थाने पुलिस की लगी हुई थी, और उसमें ये निकल कर आया कि ये 7-8 लोग इस घटना में शामिल थे। और पहले जो नाम प्रकाश पे आए उनमें 5 लोगों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम किया गया था। उसमें रात भी इनके द्वारा एक घटना करने की सूचना मिली थी, उस पर पुलिस टीम गई, इन्होंने फायर किया, और जो पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया था उसमें 2 बदमाशों को गोली लगी और गिरफ्तार हुए। उसके बाद बाकी भाग गए थे। उन 2 बदमाशों की पूछताछ पे जो रेड हुई है उसमें 3 अन्य अभियुक्तों को, जिन पर 25-25 हज़ार का भी रिवार्ड था, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार टोटल कुछ 5 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। इनके कुछ अन्य साथी भी इस घटना में शामिल हैं, जिनकी खोज पुलिस टीम कर रही है। और जो घटना में इनके द्वारा सामान लिया गया था वो बरामद हुआ है, कंट्री मेड वेपन वगैरह भी बरामद हुए हैं, इनको जेल भेजा जा रहा है। ये सारी चीज़ें तलाशी जा रही हैं, अभी रात की घटना है लेसेंट, तो उनकी जो भी चीज़ें हैं वो बाकी जनपद के सभी जगह और आसपास के जनपदों में संपर्क किया गया है। चूँकि इसमें से कुछ क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो दिल्ली बेस्ड हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस से बातचीत करके इनका डिटेल कलेक्ट किया जा रहा है। मोटिव लूट का इनका ये था, पैसे इनको चाहिए थे, पैसे ज्वेलरी बेच के पैसे लेना चाहते थे, कुछ पैसे की भी इनको इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए इन्होंने लूट की थी। शाहजहांपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं। देखिए, सिंगरौली पुलिस को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी, उस समय जब एक अंतर जनपदीय डीजल और तेल चोरी गैंग को पकड़ा गया है। ये तेल चोरी गैंग से हमारे पास में 300 लीटर तेल बरामद किया गया है। 4 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है, और इनमें से एक अभियुक्त हमारा 394 में भी पहले और 3 साल में पहले जेल जा चुका है। तो ये सभी शातिर अभियुक्त थे, और अब ये इस काम को जितने भी हाईवे पे हमारे ट्रक्स वगैरह या फिर वाहन खड़े होते हैं उनमें से बड़ी ही सफाई से तेल चोरी का काम ये करते थे। अपनी गाड़ी से ये आते थे, तेल चोरी वहाँ से करते थे अपने इक्विपमेंट्स के साथ। तो इक्विपमेंट्स भी पकड़े गए हैं और तेल भी इसमें साथ में पकड़ा गया है। होता जनरली ये था कि जब ये जितने भी ट्रक्स वगैरह में तेल निकाल लेते थे तब तक जब तक ड्राइवर को पता चल पाता था वो अपना थाना क्षेत्र क्रॉस कर देता था, और बेचारा मतलब उसको कुछ पता भी नहीं चल पाता था कि उसका पूरी टंकी इन्होंने खाली कर दी है। और ये बहुत संगठित तरीके से काफ़ी समय से ये काम कर रहे थे, और अब हमें इसमें सफलता लगी है। लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस पर एक्शन लिया गया, और इन 4 अभियुक्त की कार्रवाई की गिरफ्तारी मैं समान थाना चंदौली पुलिस द्वारा की गई है। थैंक यू। यूपी के फिरोजाबाद में दिन दहाड़े लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। यहां 3 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओम प्रकाश जी, बताइए जो अब घटना हुई आज, क्या पूरा मामला था? मामला का ये रिश्तेदार आ रहे अपने गांव से लाली है लेके, तो यहाँ पे 3 लोग थे गाड़ी पे, अपाचे गाड़ी पे। तो क्या क्या लूट ले गए थे आपसे? चूड़ी है 4 और झाले है, 6 अंगूठी है।
आपने पुलिस को सूचना की थी क्या? हाँ की थी। कितने टाइम पर पुलिस आ गई थी? पुलिस देर में आई है। कितने टाइम लगभग? घंटा भर करीब। 100 नंबर पर सूचना की थी क्या? थाने के लिए सूचना की? 100 नंबर पे भी की है और थाने के लिए भी की। आप यहाँ के स्थानीय रूप में यहाँ के स्थानीय लोग हैं जी? आज देश के हर नागरिक देशभक्ति में लगा हुआ है। कहीं तिरंगा यात्रा तो कहीं देशभक्ति में रंगे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यूपी के मैनपुरी में भी 73वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जो लोग शहीद हुए उनको नमन।